मैं आपका स्वागत है, मैं सुनील कुमार आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मी टीवी के बारे में। दरअसल अभी रेडमी ने अपनी नई सीरीज इंडिया में लॉन्च की है मी एलईडी की, तो उसमें रेडमी 4C प्रो भी आता है और जो नई एलईडी आती हैं दरअसल उनके अंदर इन्होंने क्रोम कास्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले भी जो एलईडी थी उनके अंदर वो इजी प्रोसेस रहती थी वायरलेस डिस्प्ले की। दरअसल जो ये एलईडी आई है ये गूगल के थ्रू है, मतलब गूगल के साथ इनका टाई अप है, तो इसको थोड़ा कनेक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है और पहले किसी भी यूट्यूबर ने इस तरह की वीडियो नहीं बना रखी कि किस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उनकी पूरी प्रोसेस को जाना, देन उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से हम अपनी एलईडी को वायरलेस बना सकते हैं या अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं क्रोम कास्ट के जरिए। तो इस एलईडी में हमें क्रोम कास्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि नीचे की तरफ क्रोम कास्ट बिल्ट इन इसमें लिखा आ रहा है। दरअसल अगर मैं बताऊं क्रोम कास्ट क्या रहता है, क्रोम कास्ट के जरिए आप अपने मोबाइल में जो स्क्रीन पे चलता है वो आप अब एलसीडी में देख सकते हो। तो उसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूं किस तरह से आपको उसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप जाओगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, या तो वो हॉटस्पॉट हो या फिर कोई और नेटवर्क हो, जैसे मेरे पास इसमें JioFi 2 कनेक्टेड है। तो आपको सबसे पहले इस नेटवर्क को कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपके जिस मोबाइल फ़ोन से इसको कनेक्ट करना चाहते हो उस मोबाइल फ़ोन को भी इसी नेटवर्क से कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं वाईफाई में जाता हूँ, देन उसके बाद इसमें JioFi 2 का ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको उसी डिवाइस से कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि हमारी एलईडी और मोबाइल फ़ोन सेम डिवाइस से कनेक्ट होने चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास एक ऐप रहता है जिसका नेम है गूगल होम, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। होम जो गूगल होम है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसका जो बेसिक इंटरफेस है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, माई प्रोफाइल होती है जो माई अकाउंट लगा लो, या फिर देन उसके बाद इसमें ऑप्शन मिलेगा मिरर डिवाइस, तो इस पर आप अगर क्लिक करते हो तो उसमें आपके डिवाइस का नेम आ जाता है, जैसे कि इसमें आ गया है एंड्रॉयड टीवी या फिर इसका मॉडल नेम आ जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे मोबाइल फ़ोन में जो चीज़ ओपन है वो मेरे डिवाइस में या मेरी एलईडी में आ जाएगी। दरअसल इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन होना ज़रूरी है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है तो ये आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो आप देख ही रहे होंगे। देन उसके बाद मैं इसमें कोई वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, तो मैं अपने ही चैनल की कोई वीडियो ले लेता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ अपने चैनल को। जैसे कि ये ओपन हो गया, देन उसके बाद मैं इसमें एक वीडियो प्ले कर दूंगा, तो इसमें अभी छोटी स्क्रीन आ रही है। दरअसल अगर आप इसको फुल कर लेते हो तो फुल स्क्रीन ये आ जाएगा, तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन में प्ले हो रही है वो वीडियो हमारे एलईडी में भी चल रही है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये गूगल क्रोम कास्ट काम करता है, जैसे मैंने आपको शो कर दिया, या कोई भी वीडियो या फिर MP3 सॉन्ग भी आप इसमें प्ले कर सकते हो, वो हमारा एलईडी में कनेक्ट हो जाएगा। दरअसल अगर आप डाटा ऑफ़ कर देते हो तो हमारा ये जो कनेक्शन है ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा। दरअसल पहले किसी यूट्यूबर की वीडियो मैंने नहीं देखी इसको कनेक्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। मैंने कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट किया और सभी डिटेल जानकर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा ही ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जान सकें कि किस तरह से हम अपनी एलईडी को क्रोमकास्ट के जरिए अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो या कनेक्टिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी या नहीं। देन उसके बाद अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। और उसके बाद अगर आपने हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया, वहां पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और तेरिए हंसाते रहिए।